हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक वीडियो आज की डेट में यहां पर आ चुकी है स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन जो कि हम डेली करते ही है तो यहां पर इस वीडियो को देख लीजिएगा तो सारे सेक्टर एज वेल एज निफ्टी और सेंसेक्स भी उसी तरीके से चलते ही आपको पता है स्मॉल कैप मिड कैप सबके बारे में आपको एक आइडिया लग जाएगा इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वो स्टॉक सेलिटी जो मैंने आज बाइंग किया है कल की डेट में मैंने आपको बताया था अनुपम रसायन ओके कल की डेट का मतलब है कुछ दो तीन दिन पहले आपको बताया था अगर आप देखेंगे एक अच्छी खासी जंप और आज के दिन में दोबारा अनुपम रसायन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई है बट गिरावट में भी जो इसने कैंडल बनाई है ना काफी बेहतरीन कैंडल बनाई है इन्वर्टेड हैमर और जब भी ये इस तरीके का आ, उल्टा हैमर बनता हुआ न, 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 नजर आता है वो भी कब नीचे की तरफ और वो भी कहां पर एक सपोर्ट पे तो याद रखिए चीजें काफी अच्छी हो जाती है और जब थोड़ा बहुत दिन बाद जब ये चलना शुरू करेगा तो एक बेहतरीन रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे तो इसी के बेसिस पे मैंने आज एक और शेयर में यहाँ पर एंट्री करी है और शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे जानेंगे उस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड और उस शेयर का नाम क्या है वो मैं आपको पहले रिवील कर देता हूं उस शेयर का नाम है आपका मिंडा

आप देखेंगे कि ऑटो के रिजल्ट तो ठीक ठाक आ ही रहे अच्छे खासे रिजल्ट आ रहे हैं बट यहाँ पर जो आ, मैंने अभी जो वीडियो बनाई थी इसमें मैंने आप ऑटो के बारे में आपको बताया कि, कि किस तरीके से काम करता हुआ नजर आ रहा है एक कंसोलिडेशन फेज है और यहाँ पर यहाँ पर लगातार एक गिरावट नहीं जितनी गिरावट होनी थी वो हो गई बट अब यहाँ पर एक तेजी होती हुई नजर आई है यहाँ पर लोअर हाइज बनते हुए नजर आए तो यहाँ पर चीजें हो सकती है कि थोड़ा सी नीचे आने के बाद ओके यहाँ पर और ऊपर जाए तो निफ्टी ऑटो में यहाँ पर सब सेक्टर में बुलिश नजर आता है

सेवेंटी के आसपास का पी रेशो है और अगर इंडस्ट्री का बात करें तो ट्वेंटी वन का है तो कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा महंगा यहाँ पर नजर आता है इसके अगेंस्ट में इसके जो दूसरी कंपनीज है जो इसकी पीयर कंपनीज है उसके पी देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा ये कंपनी दूसरों से या तो थोड़ी कब बीच में आती है कभी ज्यादा महंगी आती है कहीं कम आती है नजर आती है महंगी तो ठीक ठाक यहाँ पर कंपनी है और जो अच्छी कंपनी होती है वो हमेशा महंगी मिलेगी बारह का हाई बना के आठ पे ये शेयर यहाँ पर चल रहा है आर ओसी की बात करें फोर्टीन और ट्वेल्व परसेंट के आसपास है ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बेकार है सत्ताईस परसेंट के आसपास का डेट है कोई प्लेजिंग नहीं है और और कुछ बात करें पीई जी रेशियो यहाँ पर अगर बात करें, का जो यहां पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वन के आसपास हो तो अच्छा माना जाता है आ, इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे दो की यहाँ पर फेस वैल्यू है कंपनी करती क्या है कंपनी यहाँ पर बहुत बड़ी ये कंपनी है छोटी मोटी कंपनी नहीं है इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ये कंपनी तो यहाँ पर देखिए फ्लैगशिप कंपनी ऑफ एन के मिंडा ग्रुप इस One of the most diversified auto component manufacturer in india it is a technology uh, leader in the auto in component industry and leading tier one uh, supplier of a, pro a pro proprietary

इट इज थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमेटिक लाइटिंग प्लेयर इन इंडिया इंडिया में आ, लाइटिंग के मामले में तीसरे नंबर पे आता है इसने लगभग 14 ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेयर के साथ पार्टनरशिप कर रखी है लाइटिंग से 25 स्विचेस से 35 और टेन परसेंट एल एम टी से टेन परसेंट से, से रिवेन्यू आता है ओई से 86 सिक्स और रिप्लेसमेंट से इनकी जो बात कर रही कभी कभी खराब हो जाती है तो वहां से फोर्टीन परसेंट का यहाँ पर रिवेन्यू आता है टू व्हीलर से 48, एट फोर व्हीलर से 52, इंडिया से 83 थ्री इंटरनेशन सेवनटीन परसेंट का यहाँ पर इनका रिवेन्यू आता हुआ दिखाई देता है व्हाइट अगर बात करें व्हाइट प्रोडक्ट रेंज है इनकी ओके okay, इसके अलावा 260 प्लस पेटेंट है 250 प्लस डिजाइन इनके पास है रेपुटेड एंड डाइवर्सिफाइड क्लाइंट है जिसमें अगर हम बात करें डोमेस्टिक प्लेयर की तो बजाज हॉन्डा मोटरसाइकिल्स वेल हीरो मोटो हीरोप रॉयल एनफील्ड मोटर्स एंड पियागो यहाँ पर पिया, यहां पर ये सारी की सारी जितनी भी कंपनीज है और सारा ब्रांड है सबके साथ इनका क्या है टाई टाइप्स है इसके अलावा कोलोब्रेशन की बात करें तो इन्होंने अलग अलग कंपनीज का टीएल व्हील्स के लिए यहाँ पर बात टीएलए के साथ यहाँ पर कर रखा है और भी बहुत सारी के साथ डेऑन ग्रुप एंड साउथ कोरिया है अच्छी अच्छी यहाँ पर इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है तो छोटी मोटी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है जाइए एक बार इनके पास इनकी इनकी वेबसाइट को विजिट करिए तो आपको पता चलेगी कि यहाँ पर ये यह जो कंपनी है बहुत सारी चीजें फोर व्हीलर टू व्हीलर ऑफ रोड मतलब ये क्या क्या बनाती हुई नजर आती है गाड़ी की अगर बात करें ये स्पॉइलर से लेके यहाँ पर अः लाइटिंग से रिलेटेड जितने भी है सारे के सारे फ्यूल कैप्स ये व्हील कवर ये जितनी भी चीजें है ये सारे के सारे यहाँ पर यही कंपनी बनाती हुई नजर आती है टू व्हीलर में भी मोस्टली प्रोडक्ट्स ये बनाते हुए नजर आते हैं तो एक बार विजिट करिए इनकी वेबसाइट को तो काफी बेहतरीन यहाँ पर ये कंपनी नजर आती है क्या पहली बार ये स्टॉक्स बता रहा हूँ तो मैं इसका आंसर है बिल्कुल नहीं ओके अगर मैं आपको इस शेयर से रिलेटेड अगर बात करूं तो मिंडा इंडस्ट्री से रिलेटेड काफी बार यहाँ पर मैंने आपको वीडियो बनाई है यहाँ पर देखिए मिंडा इंडस्ट्री स्टॉक एनालिसिस बोनस और वन स्प्लिट यहां पर मिलता हुआ नजर आ सकता है महीने महीने पहले पहले बनाई थी अगर इस पर्टिकुलर मिंडा इंडस्ट्री के शेयर को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा तीन सौ रुपए पे ये स्टॉक्स हुआ करता था मुझे आज भी याद है तीन सौ साढ़े तीन सौ पे स्टॉक्स हुआ करता था ओके और उसके बाद से जब ये शेयर ने भागना शुरू किया तो यहां पर आप देख सकते हैं बेहतरीन आपके पैसे को तीन से चार गुना यहाँ पर करता हुआ दिखाई दिया तो मिंडा इंडस्ट्री एक बेहतरीन यहाँ पर शेयर नजर आता है तो मिंडा इंडस्ट्री तो ये इसके अगर बात करें यहाँ पर ये कंपनी से रिलेटेड हो गया इसके बिजनेस मॉडल मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे काफी बेहतरीन शेयर यहाँ पर चार्ट पैटर्न दिखाई देता है और जिस तरीके से यहाँ पर दो रुपए का शेयर बारह रुपए का होता हुआ दिखाई दिया ये एक अच्छी खासी रैली थी और जिस तरीके से यहाँ पर अभी ये शेयर गिरा जैसे कि बारह सौ रुपए से लेके यहाँ करेक्ट हुआ है इससे पहले भी ये शेयर इतना ही करेक्ट का बीच बीच में होता हुआ नजर आया था बट उसके बाद जब भागा है तो एक बेहतरीन कभी ये शेयर रुपए रुपए पे हुआ करता था और यहाँ पर अगर हम ऑल टाइम देखेंगे कि इसने कितने परसेंट के रिटर्न दिए तो आपको पता चलेगी एक मल्टी बैगर रिटर्न इस कंपनी ने यहाँ पर अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करते हुए दिखाई दिया है ऑल टाइम हाई में अगर मैं यहाँ से देखू इसके पूरे बॉटम से ले रहा हूं मैं लगभग 2009 से 2009 से अभी तक की अगर आ, मैं इस जर्नी में बात करूं लगभग कितने चार चार हजार सात सौ अठारह दिन में पच्चीस हजार दो सौ अस्सी परसेंट के रिटर्न दिए तो ये कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है इसलिए ही बोल रहा हूँ ये कंपनी एक बहुत बेहतरीन बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पर क्या नजर आती हुई दिखाई देती है तो इस शेयर की तरफ आपको क्या करना है इस शेयर की तरफ आपको यहाँ पर ध्यान देना है काफी अच्छा यहाँ पर शेयर है तो अभी इसके कुछ फाइनेंशियल देख रहे थे तो इसके फाइनेंशियल देखेंगे लगातार इसकी यहाँ पर देखिए कोविड के बाद से इनकी सेल्स बढ़ी है इस बार की सेल्स हाइस्ट है पिछले बारह क्वार्टर में नहीं होती हुई दिखाई दी मार्जिन की बात करें मार्जिन में थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पर खेल चलता हुआ नजर आ रहा है और ग्यारह का मार्जिन है तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर मार्जिन यहाँ पर कम है क्वार्टरली बेसिस पर फ्लैट नजर आता है बट अगली बार के जो रिजल्ट आएंगे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ऑटो की जिस तरीके से सेल्स होती हुई नजर आई है और जिस तरीके से कंपनी टू व्हीलर में काम करते हो टू व्हीलर सबसे ज्यादा सेल आउट

1381 करोड़ का बोरिंग की बात करें बोरिंग यहाँ पर देखिए लगभग 1300 करोड़ के आसपास थी अभी धीरे धीरे कम करके 944 करोड़ की हो गई है यहाँ पर देखिए वर्किंग प्रोग्रेस में 335 करोड़ रुपए यहाँ पर लगा रखे हैं जब ये यह यहाँ पर ऐड होंगे तो याद रखिए चीजें यहाँ पर इनके जो पूरे के पूरे सेल्स और ये सब चीजें ये अच्छा खासा भागता हुआ नजर आएगा और सप्लाई अच्छी खासी यहाँ पर हो रही है प्रमोटर्स की बात करें लगभग की होल्डिंग से होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है डीआईएस की होल्डिंग प्रमोटर्स की होल्डिंग दो तीन परसेंट की यहाँ पर कम हुई है और पब्लिक की होल्डिंग भी कम हुई है बट डीआईएस ने दबा के यहाँ पर माल उठाया इस चीज को भी याद रखी है केवल सात एक परसेंट की हिस्सेदारी ही यहाँ पर नजर आती है किसके पास आ, पब्लिक के पास अब बात है चार्ट के ऊपर रियल खेल यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा आपको कि इस शेयर में यहाँ पर एंट्री क्यों करी है उस चीज से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करते हुए नजर आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ ये शेयर काफी यहाँ पर अच्छा नजर आता है नो डाउट ओके और यहाँ पर शेयर काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी करता है परफॉर्मेंस हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं और ये जो शेयर है एक बेहतरीन सपोर्ट में यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है देखिए एक यहाँ पर ये सपोर्ट नजर आता है और आज इसने इसी सपोर्ट को यहाँ पर फॉलो करके ओके okay, देखिए यहाँ पर भी काफी बार ये शेयर इसी रेंज में इसी रेंज के आसपास घूम के नजर आया और आज इसने एक सपोर्ट के आसपास क्या बनाया हैमर बनाया है ओके ये जब हैमर बन जाता है या फिर इसे ड्रैगन फ्लाई भी कह सकते हैं ओके okay, डोजी का जो ऊपर का रूप होता है एक तरीके से वो भी एक ड्रैगन फ्लाई कहते हैं और दोनों ही बुलिश कैंडल होती है और जब भी ये ऐसी कैंडल जब एक लगातार गिरावट के बाद बन जाए तो एक अच्छी तेजी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं बट लगा क्या इसमें अच्छी खासी तेजी आ, कितने तक तेजी हो सकती है उससे रिलेटेड तो यहाँ पर देखिए स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कुछ दिनों में अच्छे खासे दस से बीस के रिटर्न हमें यहाँ पर मिल जाए या फिर थोड़ा होल्ड करे तो चालीस तक के रिटर्न मिल जाए तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर ये पर्टिकुलर लाइन आप ये देख रहे हैं इसे अगर क्रॉस कर देता है तो याद रखिए और तेजी होती हुई नजर आएगी ओके okay, और यहाँ पर कुछ कैंडल बन जाती है बुलिश तो अच्छी खासी तेजी होती हुई नजर आएगी बट इसके अगेंस्ट में अगर ये यहाँ से भी अगर लौटता हुआ नजर आता है तो यहाँ पर एक अच्छे खासे आ, दस टेन परसेंट तक के रिटर्न यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं और मेरा टारगेट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर नजर आता है कि ये शेयर यहाँ पर आके ओके इसी के आसपास तेरह परसेंट के आसपास आके रुक जाएगा जो कि कुछ दिनों में ही यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे फिर इसके बाद शायद नीचे आके दोबारा यहाँ पर तेजी होती हुई नजर आएगी तो ऑटो इंडेक्स अगर भाग रहा है तो इंडस्ट्री इंडेश्ट, को ही भागना है और जिस तरीके से आज यहाँ पर आठ का लो लगा के थ्री थर्टी पे ये क्लोज हुआ है और जो इसने कैंडल बनाई है वो कैंडल बताती है कि इसमें एक तेजी होती हुई नजर आएगी तो यहाँ पर ये हैमर बना था तो यहाँ पर तेजी आई थी ओके इससे पहले भी हैमर यहाँ पर

बट आपको बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अपने है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को खुद की स्टडी करके यहाँ पर आपको पोजीशन लेनी है और आपके टारगेट उसी हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड करने हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा कमेंट करिएगा शेयर करिएगा और हम जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस